गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप लोग घर पे लिक्विड लिपस्टिक बना सकते हैं। यकीन मानिए गाइस, अगर आप लोग इस लिक्विड लिपस्टिक को घर पे बनाते हैं तो आप लोग मार्केट से मिलने वाली महंगी लिपस्टिक को भूल जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप लोग इस लिक्विड लिपस्टिक को घर पे बना सकते हैं। इस लिक्विड लिपस्टिक को बनाने के लिए आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये अगर आप लोग मेकअप करते हैं तो आप लोगों के पास ये दो चीजें जरूर होंगी। आप लोग उन दो चीजों की मदद से बहुत ही प्यारे शेड की लिपस्टिक बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधे बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने वो लिपस्टिक तैयार करनी है। तो आइए देखिए आप लोग। तो गाइज, लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। तो हमें जो फर्स्ट चीज लिपस्टिक में चाहिए वो चाहिए हमें आई शेडो। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये पुराना आई शेडो है, और इस आई शेडो में से आप लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर पिक करना है, क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ हम इसमें मिलाएंगे तो ये लाइट हो जाता है। इसीलिए गाइज मैं इसमें तीन कलर मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कलर पिक करूँगी वो है पिंक। आप लोग देख सकते हैं ये पिंक कलर मैं यहाँ पे चूज करूँगी। थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में मैं इनको लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर चूज कर लिया है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे ये लाइट ब्राउन कलर आप लोग देख सकते हैं इसे चूज करने वाली हूँ। तो मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसे भी ले लिया है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे रेड कलर है इसे भी लूंगी। तो गाइज मैंने, आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने इसमें ये तीन कलर डाल दिए हैं, रेड, पिंक और लाइट ब्राउन कलर। तो इन तीनों कलर को पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये तीनों कलर मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं जो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो है फाउंडेशन। हाँ जी गाइस, जरूरी नहीं है कि हमें इसमें बहुत ही महंगा फाउंडेशन डालने की जरूरत है या कोई अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन डालने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास जो भी फाउंडेशन है, चाहे पुराना है चाहे नया है, या फिर आप लोगों ने अच्छी ब्रांड का फाउंडेशन यूज किया है, आप लोग कोई भी फाउंडेशन इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अभी फाउंडेशन डालने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए, अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन डालूंगी। एकदम से इसमें ज़्यादा फाउंडेशन नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा फाउंडेशन डाल देंगे तो हमारी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें फाउंडेशन डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं, तो गाइज अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे ये स्पून की मदद से, यानी कि चम्मच की मदद से इन दोनों को मिक्स करूंगी। आप लोग देखिए, ये चम्मच की मदद से मुझे नहीं लगता है कि जल्दी मिक्स हो पाएगा, इसलिए मुझे अपने फिंगर का यूज़ करना होगा। और गाइस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थोड़ा मैंने इसमें फाउंडेशन ज़्यादा डाल दिया है, तो मुझे थोड़ा इसमें और आई शेडो जो मैंने पहले कलर पिक किए थे वो डालने होंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा आई शेडो और डालूंगी। क्योंकि जब भी आप लोग इस लिपस्टिक को घर पे बनाएं तो ये ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना होगा कि आप लोग जो भी इसमें आई शेडो कलर पिक करेंगे वो आप लोगों ने डार्क कलर ही पिक करना है, क्योंकि अगर आप लोग लाइट कलर पिक करेंगे तो हमारी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये मिक्स करने के बाद इसका एक, देख सकते हैं आप, एक कलर कितना प्यारा सा शेड बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अपने होंठों पे अप्लाई करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके का ये लिपस्टिक हमारे होंठों पे लगती है। तो इस लिपस्टिक को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेटर लिया हुआ है। ये एप्लीकेटर मेरा पुराने लिपस्टिक का एप्लीकेटर था, जो लिपस्टिक मेरी ख़त्म हो चुकी है उसका
उसका ये एप्लीकेटर है, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस पर कोई भी कलर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कोई भी इस पर कलर नहीं है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। इसकी मदद से मैं इसे अपने होंठों पे अप्लाई करूंगी। तो देखिए आप लोग, तो देखिए गाइस आप लोग, मैं इसे अपने होंठों पे लगाऊंगी। तो फाइनली गाइस मेरी लिपस्टिक लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा शेड इसका आया हुआ है। और मैंने अपने फिंगर की मदद से ये जो मिक्स किया था, आप लोग देख सकते हैं इसने मेरे फिंगर पे ये लग चुकी है। और कलर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया हुआ है। तो अभी मैं 10 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती है। तो गाइस 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को किस करके दिखाऊंगी, तो ये देखिए आप लोग, अभी तो कुछ है नहीं, मैं दिखाती हूँ। ये लिपस्टिक ट्रांसफर होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा इसमें कलर आ चुका है लिपस्टिक का। तो मे भी हम ये लोग ये मान के चल सकते हैं ये 5-6 घंटे तक हमारे होंठों पे लिपस्टिक बनी रहेगी, उसके बाद हम बोल ही सकते हैं। लेकिन 5-6 घंटे बहुत होते हैं गाइस, 5-6 घंटों तक अगर हमारे होंठों पे लिपस्टिक रहती है तो आप लोग लगा सकते हैं कि ब्रांडेड लिपस्टिक भी इसके सामने फैले। तो गाइस देखा ना आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से इतनी अच्छी लिपस्टिक बना सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है हमारी होंठों के लिए। और गाइस ये लिपस्टिक बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस 2 चीज़ों की मदद से आसानी से घर पर ही हम इस लिपस्टिक को बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी नए नए शेड की लिपस्टिक लगाना काफ़ी ज़्यादा, आप लोग घर पे आसानी से लिक्विड लिपस्टिक बना सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा, आप लोगों के उसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस 10 रुपये या 20 रुपये मान के आप लोग चलिए, आपकी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी। गाइस अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।